तो जी अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम टू द व्लॉग। और आज हमारा दूसरा दिन है जैसलमेर में। आज हमें निकलना है यहाँ से बीकानेर के लिए। और सुबह सुबह हम आए अर्ली मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ वेस्ट साइड में थोड़ा सा लेट सनराइज़ होता है, तो हम आए सुबह सुबह यहाँ पे सनराइज़ कैप्चर करने के लिए कड़ीसर लेक पे। ठंडा है यहाँ पे, एक्चुअली में ठंडा है। रात को 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया था, और सुबह सुबह उठ के जब हम बाहर निकले तो भी बहुत ठंडा। देखिए जैकेट डाले हुई है। जैसलमेर राजस्थान है और रेगिस्तान के बीच में है, फिर भी इतना ठंडा है। तो ठंड में आए यहाँ पे, ड्रोन उड़ाया भी हमने, थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। बस यही है। और ये गड़ीसर लेक है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, अभी भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। सुबह सुबह यहाँ बहुत ही पीसफुल होता है, कोई टूरिस्ट नहीं है। वैसे जैसलमेर में ज़्यादा टूरिस्ट होते नहीं है ड्यूरिंग समर वीकेंड, विंटर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बार पैंडमिक की वजह से कोई भी बाहर का टूरिस्ट नहीं, सब इंडियन टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और इतनी सुबह सुबह तक यहाँ कोई आया नहीं है, तो बिल्कुल खाली आइसोलेटेड ऐसा लग रहा है। सिर्फ हम 3 ही यहाँ पे, ललित मेरे साथ आया सुबह सुबह मेरे को लेके एक हिडन स्पॉट पे जहाँ से ड्रोन वगैरह उड़ाया जा सके। और ये जो लेक है ये मैन मेड लेक है, इसमें इंदिरा गांधी कैनाल से पानी आता है और बारिश का पानी भी इकट्ठा होता है। तो चलिए अब अपनी अगली लोकेशन में चलते हैं, पटो की हवेली, क्योंकि कल हम नहीं देख पाए थे। अभी बाहर से देखेंगे, वो सिर्फ बाहर से देखने के लिए, बाहर से देखेंगे और उसके बाद फिर बीकानेर के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। बैठने के लिए पानी भर गया तो नहीं बैठ सकते, पानी पहले था नहीं अभी। तो तुम आते हो यहाँ पे रेगुलर? नहीं, कभी कभार, बहुत कभी कभार। रोज रहने वाला कितने आएगा? मेरे को भाई कम से कम 1.5 साल हो गए यार, काम ही नहीं होता। पहले जब हम छोटे थे ना उसमें आते थे कपड़े वपड़े धोने के लिए, क्योंकि पानी नहीं आता था उस समय। आते थे उस पानी आता था 10-15 दिन में एक बार, वो सिर्फ पीने पीने में यूज होता, कपड़े धोने के लिए हम यहाँ आते। उसमें था स्कूटर वेस्पा, वेस्पा हाँ मेरे को याद है, वेस्पा तुम्हारा, हाँ वो लेके आते थे हम। तो नेक्स्ट लोकेशन पटवो की हवेली, बिल्कुल उसके सामने घर, देखने में तो अमेजिंग है कि मेरे पीछे है। कोशिश करता हूँ आपको जितना दिखा सकूँ मैं, है तो ज़बरदस्त, मतलब नकाशी आ रही नंबर है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया देख के, है जानदार। अब हम हैं एक एम्पोरियम में, जैसल आर्ट पैलेस नाम है इसका। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स भी दे दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो और पटवो की हवेली के बिल्कुल सामने ही है जैसल आर्ट पैलेस, इनके पास अमेजिंग हेरिटेज वाले कलेक्शंस हैं। अंदर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अमेजिंग है। अगर आपको चाहिए, यूजली ये शिप भी कर देते हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इससे फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर देखिए, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, हो सकता है कुछ आपको ऐसा सामान मिल जाए जो आपने कभी ना देखा और आप उसको अपने साथ ले जाना चाहें। दाल पकवान और सुबह सुबह खा रहे हम लोग, कल तो मिस हो गया था हमसे, आज खा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। पापड़ है उसके ऊपर दाल डाला हुआ और मसाले डाले हुए। टाइम आ चुका है हमें जैसलमेर को छोड़ने का, अब हम जैसलमेर छोड़ के बीकानेर जा रहे हैं। तो मैं आपको एक टिप देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप जैसलमेर फोर्ट पटो की हवेली यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग आइए,
गढ़ीसर लेक पे अर्ली मॉर्निंग जाइए, आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा और चार्जेस भी कुछ नहीं लेंगे, पार्किंग भी लगेगी और मस्त फोटो आएगी, आइसोलेटेड फोटो आएगी, मतलब एक नंबर फोटो आएगी जो कि इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया होगी। पटोकी हवेली में तो बताने के लिए क्या, और पटोकी हवेली में जो है बताने के लिए कुछ खास है, अब बाहर से देखिए उसका जो नक्काशी बहुत ज़बरदस्त है, उसके सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाइए, बहुत अच्छी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ आती है। और शाम को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट लग जाती है, फ्ली मार्केट, तो अब वहाँ पे फ़ोटो शायद वैसी फ़ोटो ना आए, लेकिन अब शाम को जाइए वहाँ पे, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है, छोटा मोटा सुविनियर खरीदना, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और उसके बगल में जो जैसलमेर का एम्पोरियम है, जैसल पैलेस, वो मैंने आपको दिखा दिया, जैसलमेर पैलेस, तो वहाँ पे विज़िट कीजिए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बीकानेर की तरफ और आपको लेके चलते हैं अपनी जर्नी पे। हमारी ये सीरीज़ अब ख़त्म होने के टाइम पे आ गई, अब हमारा ये रोड ट्रिप ख़त्म होने वाला है, हार्डली एक या दो दिन और बस, उसके बाद अभी ट्रिप की तैयारी करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। और फटाफट से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, आज से कुछ साल पहले 2004-05 में जब हम जोधपुर से जैसलमेर जाया करते थे वाया ट्रेन, तो ट्रेन पोखरण में रुकती थी और पोखरण में रुकने के बाद यहाँ पे इंजन जो है वो चेंज होता था, आगे का पीछे जाता था। तो यहाँ पे चमचम की एक बहुत ही फेमस शॉप है जो कि सर्वप्रथम पोखरण की प्रसिद्ध चमचम है, यहाँ पे पोखरण में सबसे पहले चमचम बनाई गई थी और ये आज भी फेमस है। तो वहाँ से आधे घंटे का हॉल्ट होता था ट्रेन का और यहाँ पे डैड लेने आते थे। तो अब हम जब जा रहे थे बीकानेर की तरफ तो हमने 5 किलोमीटर का डी टूर लिया और ये फेमस चमचम की शॉप पे चमचम खाने आए। कितनी पुरानी दुकान है? 60-70 साल हो गए। 30 रुपये की चमचम टेस्ट करके बताएंगे। मैं तो ज़बरदस्ती लेके आया हूँ, खा के बताओ भाई कैसा लगा। सिंहासन में पार्किंग करवाई जाएगी क्या? ये देखिए हमें राजा के महल के अंदर तो सिंहासन के अंदर पार्किंग करवाई जा रही है। तोड़ ले जा भाई। अच्छा अभी हम आपको बताते हैं, ये नुकीला तो तोड़ ले जा आज। तो इसलिए हम बताएंगे अभी आपको हम कौन सा किला है। तो यहाँ पे पार्किंग कर दो इजीली, 20 रुपए लगे पार्किंग के, बाकी अभी मुझे गाइड सर मेरे से। अब हम पहुंच चुके हैं बीकानेर और बीकानेर में हमने सबसे पहले एंट्री ली है जूनागढ़ फोर्ट में, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे जूनागढ़ फोर्ट। वैसे तो बड़ा ही शानदार है, बाहर से देखने में बड़ा ही भव्य किला लग रहा है, बट अंदर जाएंगे फोर्ट के और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है इसके अंदर और आप जब टिकट्स लेते हैं कितने के टिकट से क्या कॉस्टिंग है इसकी और आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पे हमें फ्री गाइड भी मिलते हैं, साथ ही हमें यहाँ पे गाइड जो हैं वो आप अगर प्राइवेट गाइड लेना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 350 रुपीज़ एक गाइड ने हमसे पूछा था। हम देखते हैं और कोई ऑप्शन है तो आपको जरूर दिखाएंगे, और अगर फ्री वाले में जाने से आपको बेनिफिट होता है कि नहीं ये भी आपको जरूर बताएंगे। बाकी सारे फोर्ट्स में से ये ज़्यादा वो है ना। हाँ
तो फिर जूनागढ़ फोर्ट घूमने के बाद अब कुछ खाने के लिए आए हम लोग। हमने गूगल किया, हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया यहाँ पे। ये कुछ मार्केट जैसी प्लेस है, यहीं पे कुछ खाएंगे और उसके बाद आज का रहने का ठिकाना ढूंढेंगे। और साथ ही आज हम शायद करनी माता टेम्पल भी जाएंगे, अगर वो लेट इवनिंग तक खुला रहता होगा तो। लेट्स सी, चलिए कुछ खाते हैं और फिर आगे की जर्नी में वो कंटिन्यू रखते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको मज़ा आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक दे दीजिए, साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए और इसी तरह हमारी जर्नी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीकानेर के फेमस करनी माता टेम्पल में, और यहाँ पे जो है ज़बरदस्त मंदिर है ये, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे, अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे लाखों की तादाद में चूहे हैं और वो भी जो काटते नहीं, और लोग यहाँ पे चूहों की सेवा करते हैं। और मंदिर में घुसने से पहले एक छोटी सी मार्केट आती है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हमने प्रसाद लिया 50 रुपये का चढ़ाने के लिए। मंदिर बहुत अमेजिंग है और इतना कुछ हो। ये वन ऑफ इट्स काइंड मंदिर है। हाँ, एक बार तो जरूर आओ यहाँ। पहली बार देखा हमने तो एक बार जरूर आना चाहिए। राजस्थान के किसी भी स्टेट हाईवे में फास्टैग नहीं है, और ये पीछे से ट्रक वाला बिना बात के हॉर्न मार रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कार अभी हेलीकॉप्टर बन के हट जाएगा। और अपडेट दे देते हैं आपको आज का। आप भी सोच रहे होंगे कहाँ गाड़ी में बैठ के इतनी रात को अपडेट दे रहा है, और इस समय रात के बज रहे 12 और हम हैं हिसार के बिल्कुल पास में। और हमने डिसाइड किया कि हम बीकानेर में नहीं रुकेंगे। हमने जूनागढ़ फोर्ट देखा, उसके बाद करनी माता टेम्पल देखा, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। बीच में हिसार आएगा, अगर हमें लगेगा कि हम थके हुए हैं तो हम हिसार में हॉल्ट कर लेंगे आज रात के लिए। लेकिन हमें लगता है कि हमें हिसार से पहले हॉल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त धुंध हो गई है, मतलब ऐसी धुंध हो गई कि एक फिट भी नहीं दिखाई दे रहा। वो रोड के साइड में जो वाइट वाली लाइन होती है उसको फॉलो करते करते हम लोग थोड़ी दूर तक आए, लेकिन ड्राइव करना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो हमने कहा थोड़ी देर रुक जाते। तो ये टोल प्लाज़ा है जो चंडीगढ़ हाईवे पे है, तो ये टोल प्लाज़ा पे हम रुक गए। अब थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक गए सुबह के निकले हुए 7 बजे के, और रात के 12 बज रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लग रहा होगा हम लोग कहाँ हैं, अभी तक रोड पे थे फिर होटल में आ गए। एक्चुअली रात को क्या हुआ, 1 बजे के आसपास कोहरा इतना ज़्यादा होगा कि हम लोग ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी ड्राइव कर पा रहे थे। मतलब एक फिट भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो रोड के साइड में वाइट लाइन कंटिन्यू चलती है उसको फॉलो करते करते हम हिसार तक पहुँचे। 20 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने करीब 1 से 1.5 घंटे में कवर किया, इतना ज़्यादा फॉग था। इस वजह से हमने सोचा कि चलो हिसार में हॉल्ट ले लेते हैं और फिर मॉर्निंग में चले गए। तो हमने 2 बजे के आसपास चेक इन किया होटल में और सो गए। फिर उसके बाद रात को कुछ था नहीं बताने के लिए, हमने 1000 रुपये का होटल लिया था, ये भी एक्सपेंस में जुट जाएगा। और अभी जब से हम चले हैं तब से हमने वीकानेर से जैसलमेर से तब से हमने पेट्रोल डलाया नहीं, एक बार ही डलाया था, टैंक फुल किया था, तो अभी वो एक्सपेंस में जुट जाएगा। बस अब ये जर्नी ख़त्म होने को आ रही है और अभी हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुँचते रास्ते में कुछ होता है तो आपको दिखाते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पर, उसके बाद चंडीगढ़ पहुँचेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे, भगवान का नाम लेके बस चल रही थी। इवन बस वाले जो डेली चलाते हैं, ट्रक वाले, वो उनके बस का तो था नहीं, 2 मिनट पर रुक जा रहे थे, तो हम लोग क्या जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले, घूमने निकले, एक दिन या 2 दिन स्पेयर में लेके चलिए, इफ इन केस कहीं आप फंस जाते, जैसे आज हम फंस गए, अगर हमारे पास छुट्टियाँ नहीं होती 1 दिन एक्स्ट्रा तो शायद मुश्किल हो जाता हमें जल्दी होती घर जाने की। और जब भी ऐसे सिचुएशन लगे कि आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, 1% भी डाउट हो तो रुक जाना चाहिए। चलिए जल्दी आगे शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है तुमको यहाँ?
जलजली गर्मी के बाद यहाँ सर्दी में आके अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम से ही सब कुछ चेंज हो गया। कल जब हम सुबह चले थे तो गाड़ी में एसी चल रहा था, आज हीटर चल रहा है और आज गाड़ी में हीटर चल रहा है। और कल रात का क्या बुरा हाल था, कल रात तो यार धुंध इतनी जबरदस्त थी, सामने ही नहीं दिख रहा है, मतलब एक मीटर पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी धुंध थी। बुरा हाल हो रखा है, सूरज आगे गुस्सा करेगा नहीं। फाइनली अब हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, घर हमारा पीछे है, गाड़ी हमने लगा दी है और अब हम सामान निकालेंगे, वापस घर के अंदर जाएंगे, थोड़े दिन आराम करेंगे और जैसलमेर राजस्थान ये जर्नी ही ख़त्म होती है। थोड़े दिन बाद फिर से एक नई जर्नी पे निकलेंगे और आपको हमारे साथ लेके चलेंगे। होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और अब ये आखिरी वीडियो होगा, या हो सकता है इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं टोटल एक्सपेंस एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही अब हम सामान वगैरह रखेंगे, फ्रेश वन अप होंगे और कुछ खाएंगे और फिर आराम करेंगे। पिछले 10 दिन से हम लगातार गाड़ी चला रहे हैं और जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। चलिए ये सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो एक लाइक बटन जरूर दे दीजिए, साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। See you in another vlog.